हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर रेगुलेटर ऑन करते समय रेगुलेटर के नीचे से गैस निकलने लगे तो इसका क्या कारण होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये हम आपको रेगुलेटर के नॉब को ऑन करके दिखाते हैं कि कहाँ से यह लीक कर रहा है। हम रेगुलेटर के नॉब को ऑन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जो आवाज़ हो रहा है यह हमारा रेगुलेटर के नीचे से आ रहा है, जो कि हमारे वाशर के कारण हो रहा है। अगर हमारा रेगुलेटर ऊपर से या रेगुलेटर के जॉइंट से लीकेज हो या नॉब के पास से लीकेज हो, तभी हमारा रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, अन्यथा हमारा रेगुलेटर यह सही है, जो कि गैस सिलेंडर के वाशर ख़राब होने से लीकेज कर रहा है। तो आइए मैं आपको इसे विस्तार में बताता हूँ। तो ये हमारा नया रेगुलेटर है, जो कि आप देख रहे हैं कि रेगुलेटर का जॉइंट जहाँ से है, अगर हमारा लीकेज उस जगह से करता है या रेगुलेटर के नॉब से करता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे रेगुलेटर में प्रॉब्लम है। और दूसरा यह कारण है कि अगर रेगुलेटर के नॉब ऑन करने से गैस रेगुलेटर के नीचे से निकलता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा रेगुलेटर सही है। प्रॉब्लम हमारे गैस सिलेंडर के वाशर में है, जो कि ख़राब हो चुका है, जिसे अब हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। हम पेचकस की सहायता से वाशर को बाहर निकालेंगे। इसे निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारा वाशर, या जो कि हार्ड हो चुका है या पूरी तरह से दबता नहीं है। हार्ड होने के कारण हमारा गैस नीचे से लीकेज करता है, या वाशर के कट जाने या फट जाने से भी हमारा गैस नीचे से लीकेज करना शुरू कर देता है। तो हम दूसरे वाशर को लगा कर देखते हैं, जो कि इससे सॉफ्ट है। हम इस वाशर में देखते हैं कि यह आसानी से दब जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और दूसरा वाशर जो हमारा है यह बहुत ही हार्ड है और साइड से फटा हुआ भी है, इसके कारण यह लीकेज कर रहा है। अब हम अपने सॉफ्ट वाशर को सिलेंडर में लगाएंगे। इसे लगाने के लिए हम वाशर को हल्का मोड़कर सिलेंडर के अंदर डालेंगे और पेचकस की सहायता से इसे बैठा देंगे। वाशर के बैठ जाने के बाद अब हम रेगुलेटर को गैस सिलेंडर में अच्छी तरह से सेट करेंगे। सेट होने के बाद हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं और इसे हम चेक करते हैं कि हमारा यह अब गैस लीक तो नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहले गैस लीक कर रहा था, अब यह नहीं कर रहा है। तो आप इसे घर बैठे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।